की भारत जोड़ो यात्रा शुरू हो चुकी है। बता दें कांग्रेस की इस यात्रा पर खूब सियासत भी हो रही है, जहां पक्ष विपक्ष की बहस जारी है। जब कांग्रेस ने इसका ऐलान किया था तभी से बीजेपी कांग्रेस पर हमलावर है। कोई कांग्रेस बचाओ यात्रा की सलाह दे रहा है तो कोई अपना घर जोड़ने की सलाह दे रहा है। इस पर जनता भी खूब मजे ले रही है, अपनी अपनी सलाह दे रहे हैं सब कांग्रेस को। तो आज हम आपको बताएंगे कि कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा पर बीजेपी क्या कुछ कह रही है। कांग्रेस अगस्त में भारत जोड़ो यात्रा लेकर आई थी। कहा जा रहा है कि कांग्रेस की इस यात्रा का मकसद सिर्फ भाजपा को चुनौती देना नहीं, खुद का अस्तित्व बचाना भी है। ऐसे में इस यात्रा पर सियासत भी खूब हो रही है। बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद ने कांग्रेस की इस यात्रा पर जोरदार तंज कसा है। उन्होंने कहा है ये परिवार को बचाने की यात्रा है, जो अपनी पार्टी को नहीं जोड़ सके वे भारत जोड़ो यात्रा पर निकले। आगे वो कहते हैं राहुल जी पहले अपना घर तो संभाल लेते। आप भी सुनिए उनका ये बयान। कांग्रेस तो अपने लोगों को जोड़ नहीं पा रही है, उनके अपने पुराने समर्पित छोड़कर जा रहे हैं और राहुल जी चले हैं देश जोड़ने। तो राहुल जी पहले अपना घर तो संभाल लेते, घर को जोड़ लेते तो देश जोड़ने की बात करते। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने ट्वीट करते हुए कांग्रेस पर तंज कसा है। उन्होंने लिखा है श्री राहुल गांधी जी को देश जोड़ो के स्थान पर कांग्रेस बचाओ यात्रा निकालो, देश एकजुट और अखंड है। वैसे जब तक यात्रा चलेगी तब तक देशवासियों का मनोरंजन होगा। वही गुजरात बीजेपी अध्यक्ष सी आर पाटिल ने भी कांग्रेस पर निशाना साधा था। भारत जोड़ो यात्रा मार्ग की आलोचना करते हुए उन्होंने कहा था कि कांग्रेस और उसका नेतृत्व गुजरात को नापसंद करते हैं और इसलिए उन्होंने जानबूझकर राज्य को यात्रा मार्ग से बाहर कर दिया है। पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा जैसा कि हम देखते हैं कि कुछ जानवर विशिष्ट मौसमों में सामने आते हैं, उसी तरह कुछ राजनीतिक दल भी चुनाव के समय ही सामने आते हैं। इसके अलावा कांग्रेस से इस्तीफा दे चुके गुलाम नबी आजाद ने भी इस पर कांग्रेस पर सवाल उठाया है। उन्होंने आज तक से बातचीत में कहा था भारत को इस समय जोड़ने की जरूरत नहीं है, जोड़ने का काम 1947 के बाद कर लिया गया था। आगे वो कहते हैं नेहरू और सरदार पटेल ने मिलकर वो काम किया था, तब पूरे भारत को साथ लाया गया था। अब इस समय ये कोई नहीं बोल सकता कि भारत अलग है। बता दें असम के सीएम हेमंत बिस्वा सरमा ने भी इस पर ऐसा बयान दे दिया था जिससे कांग्रेस चिढ़ गई थी। हेमंत बिस्वा सरमा ने कहा था कि भारत जुड़ा हुआ है, कश्मीर से कन्याकुमारी तक एक देश है, हम लोग जुड़े हुए हैं। 1947 में देश का बंटवारा हुआ था, तब पाकिस्तान अलग देश बना था। अगर राहुल गांधी के मन में कोई माफी है तो उन्हें पाकिस्तान को भारत में जोड़ने की कोशिश करनी चाहिए और पाकिस्तान से भारत जोड़ो यात्रा निकालनी चाहिए। आगे उन्होंने कहा था भारत में भारत जोड़ो यात्रा करने का कोई मतलब नहीं है। वही बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा ने भी कहा था कि कांग्रेस भारत जोड़ो आंदोलन शुरू करने जा रही है, लेकिन ये भारत जोड़ो आंदोलन नहीं बल्कि गांधी परिवार बचाओ आंदोलन है। फिलहाल बीजेपी कुछ इस तरह से अपनी प्रतिक्रिया दे रही है या फिर यूं कहे कांग्रेस पर तंज कस रही है। आप क्या कहेंगे इस पर कमेंट करके अपनी राय जरूर बताइएगा।